कोरोना काल के दौरान पर्यटन नगरी खजुराहो के होटल मालिकों को बुरी तरह से आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा। इन होटल मालिकों को अब भी प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं। खजुराहो में होटल एसोसिएशन द्वारा एक बैठक करते हुए ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग और नगर परिषद से मांग की गई कि उनके टैक्सों में कटौती की जाए। हम लोगों का बिजनेस जो होटलियर्स हैं, इनका सारा बिजनेस खत्म हो गया कोरोना के समय से। तो हम लोग सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि नगर पंचायत से जो हम लोगों का टैक्स है इसको खत्म किया जाए। आज होटल व्यवसायियों की तरफ से जो ज्ञापन आया है वो ये है कि बिजली बिल की जो बिलिंग होती है वो उसमें एक नियत प्रभार और प्लस यूनिट चार्ज लगते हैं। तो उनकी मांग है कि कोरोना इफेक्ट की वजह से होटल व्यवसाय नहीं चल रहा है और हमको इसमें नियत प्रभार ना लगे, केवल हम भार के हिसाब से नियत प्रभार ना लगे, केवल हमको यूनिट चार्ज लगे। तो ये विद्युत वितरण कंपनी में मेरे स्तर का भी नहीं है, ये दरें और सारे नियम बनते हैं नियामकायोग के माध्यम से, लेकिन एसोसिएशन ने जो हमको ज्ञापन दिया है ये उनका ज्ञापन उनके कंपनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा और इस पर अगर कोई निर्णय कंपनी लेती है तो अवश्य उसको लागू किया जाएगा। क्या इसका कोई रिप्लाई अगर आता है आपके पास तो होटल वालों को? हाँ, क्यों नहीं होगा, वो तो अगर होगा तो संशोधन होगा तो हमारे पास भी आएगा और उसी हिसाब से बिलिंग होगी। अगर कंपनी कंसीडर करती है या नियामक आयोग से दरें निर्धारित होती हैं वो कंसीडर करते हैं तो कुछ नहीं, वो तो सबको बताया जाएगा और प्रभावी भी होगा। होटल एसोसिएशन द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, इस पर शासन के नियमों के अनुसार और वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लेकर के और निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।